हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। इसकी डिटेल में हमें ये दे रखा है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। इफ इट डिक्रीज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। रेट ऑफ डिक्रीज कितना है? टू डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। टाइम एट विच टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। हमें क्या दे रखा है कि टेम्परेचर 12 नून पर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। रेट ऑफ डिक्रीज जो हो रहा है, यानी हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हमें वो टाइम बताना है जहाँ पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा। तो हम इसके लिए क्या कर लें, हम इसके लिए डिफरेंस इन टेम्परेचर निकाल लें। यानी 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टोटल हमारा क्या आया, 10 माइनस माइनस प्लस 8, यानी 18 डिग्री सेल्सियस। हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों टेम्परेचर का। 10 निकालना क्या था, डिफरेंस निकालना था, और ये 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है, दैट मीन्स ये क्या है, माइनस 8। तो यानी हमारा आंसर आया 18 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। हमें ये पता है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो 18 डिग्री सेल्सियस है, और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमने डिवाइड किससे करना है, 2 से। 2 वन्स आर 2, 2 नाइन्स आर 18, यानी आफ्टर 9 आवर्स जो होगा ये टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो है। तो टाइम आफ्टर 9 आवर फ्रॉम नून, फ्रॉम 12 नून विल बी 9 PM। एक बार दोबारा कंसिडर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। टेम्परेचर एट 12 नून हमें 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। रेट ऑफ डिक्रीज क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस। हमें ये वो टाइम बताना है जब टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना होगा। 10 डिग्री सेल्सियस हमें निकालना डिफरेंस है, इसलिए उसका माइनस यहाँ पर, और जो बाद का टेम्परेचर हमें दे रखा है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो है, तो माइनस 8। हमारा डिफरेंस आया 18 डिग्री सेल्सियस। जब हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालना है, यानी कितने घंटे बाद हमें वो टेम्परेचर मिलेगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, तो हमने क्या किया, 18 डिवाइडेड बाय 2 किया। तो यानी 9 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल यही होगा, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो टाइम आफ्टर 9 आवर फ्रॉम 12 नून विल बी 9 PM, यानी 9 PM पे जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो होगा। इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट में हमें निकालना है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 12 AM। हमें 12 नून का टेम्परेचर दे रखा था 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, और हमें टेम्परेचर निकालना है मिडनाइट का, यानी कि 12 AM का। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालें,
हमें ये पता है कि टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर 12 आवर्स उसमें चेंजेस कितने आएंगे, -24 डिग्री सेल्सियस। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो हर आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो हमने -2 यूज़ किया। और हमें 12 घंटे बाद का टेम्परेचर निकालना है, तो -2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -24 डिग्री सेल्सियस। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी, हमें 12 नून का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और मिडनाइट में जब टेम्परेचर हुआ था -23, हमारा आंसर आएगा 10 ± -24, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। एक बार दोबारा कंसिडर कर लेते हैं, हमें टेम्परेचर एट मिडनाइट निकालना है, यानी कि 12 AM का टेम्परेचर निकालना है। हमें 12 नून का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और रेट ऑफ डिक्रीज जो है वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है, तो हमने चेंज इन टेम्परेचर जो निकाला 12 घंटे बाद का, वो निकाला -2 × 12 करके, यानी कि -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ होगा, नीचे गया होगा। अब हमें मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है, नून में टेम्परेचर जो था 10 डिग्री सेल्सियस था, और मिडनाइट का टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस नीचे गया, माइनस करके आंसर निकाला, तो आंसर हमारा आया 14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट का टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, +3, एंड -2 विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे, -2 मार्क्स, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेंडिंग एनी क्वेश्चन, यानी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक स्टूडेंट है राधिका, जिसका टोटल स्कोर दे रखा है हमें 20 मार्क्स। शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने थे राधिका के, 12। तो हमें बताना है कि कितने क्वेश्चंस थे जो उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे, हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन दैट शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। हमें राधिका का टोटल स्कोर दे रखा है 20 मार्क्स फॉर, हमें करेक्ट आंसर्स निकालें, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, उसके 12 करेक्ट आंसर थे, और हर करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिलेंगे, यानी उसका टोटल स्कोर कितना हो गया करेक्ट मार्क्स के लिए, 36 मार्क्स। क्वेश्चन में उसका टोटल स्कोर 20 हमें दे रखा था, और मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर हमने निकाला क्योंकि हमें ये पता था कि उसके करेक्ट आंसर जो थे वो 12 थे,
तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स निकाले, 36 मार्क्स आए। अब हमें मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल स्कोर में से माइनस करेंगे जितने करेक्ट आंसर्स का स्कोर था, यानी कि उसका स्कोर कितना आया? -16। अब हमें वो क्वेश्चंस निकालने हैं जो उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकालेंगे? -16 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि राधिका ने क्या किए थे? इनकरेक्टली आंसर किए थे। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। राधिका का टोटल स्कोर हमें 20 दे रखा था और उसके जो करेक्ट आंसर्स थे वो 12 थे, तो हमने उसको क्या करा? मल्टीप्लाई बाय 3 किया, क्योंकि मार्क्स को करेक्ट आंसर जो मिलेंगे वो +3 मिलेंगे, तो यानी उसको टोटल मार्क्स कितने मिले? 36 मार्क्स मिले। फिर हमें मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स निकालने थे, तो वो हमने कैसे किया? टोटल स्कोर में से जितने मार्क्स उसे करेक्ट आंसर के लिए मिले थे उसको माइनस कर दिया, तो आ जाएगा हमारा मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर, जो कि आया -16। हमारे क्वेश्चन में तो हमें जो निकालना था वो ये था कि कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे, तो हमने क्या किया? -16 को डिवाइड किया 2 से, तो यानी कि 8 ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि राधिका ने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट में हमें जो स्टूडेंट दे रखी है वो है मोहिनी, जिसका टोटल स्कोर जो था वो था -5 मार्क्स। और जितने क्वेश्चंस उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए थे वो थे 7। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली इज 7। तो हमें ये निकालना है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे। टोटल मार्क्स कितने? टोटल स्कोर दे रखा है -5 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन जो करेक्टली अटेम्प्ट किए थे वो 7 क्वेश्चन थे। तो अब हम पहले तो मार्क्स फॉर द करेक्ट क्वेश्चंस के निकालें। मार्क्स फॉर द क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली, जिन क्वेश्चन को उसने करेक्टली अटेम्प्ट किया था उसके मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी उसके मार्क्स कितने आए? 21 मार्क्स आए। अब हमें क्या निकालना है? मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर। और वो कैसे आएगा? उसका टोटल स्कोर था -5, माइनस करेंगे -21 को, आंसर आएगा उसका माइनस का 26 मार्क्स, यानी कि उसे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -26 मार्क्स मिले थे। अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली वो कैसे निकालेंगे? 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो मोहिनी ने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे। कैसे किया? मोहिनी का टोटल स्कोर दे रखा था -5 मार्क्स और जितने क्वेश्चन उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए थे वो 7 थे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर्स निकाले, जो कि हमारे आए 7 × 3 करके 21। मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स जो है -26 आया। कैसे? टोटल स्कोर -5, मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर -21, यानी कि माइनस का 26। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली कितना आएगा? 13 क्वेश्चन। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है
An elevator descends into a mining shaft at a rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground, how long will it take to reach minus 350 meter? The distance descended is denoted by नेगेटिव इंटीजर. जितना डिस्टेंस उसने डिसेंड किया है उसे हम नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे. इनिशियल डेप्थ उसने दे रखी थी कि जो जब डिसेंडिंग स्टार्ट हुई थी तो वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड था, तो वो प्लस 10 से दिखाएंगे. और फाइनल डेप्थ यानी उसे जहाँ जाना था वो है माइनस 350 मीटर. हमें टोटल डिस्टेंस ऑफ द डिसेंट निकालना जितना वो एलिवेटर नीचे गया था. टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड बाय एलिवेटर इज इक्वल्स टू माइनस 350 माइनस प्लस 10. माइनस 350 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 360 मीटर. यानी कि जितना ये एलिवेटर डिसेंड हुआ है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है? माइनस 360 मीटर. अब इसमें दे रखा है टाइम टेकन by elevator to be descended वो है 6 meter per minute. हमें ये दे रखा था कि जो elevator है वो किस rate से नीचे जा रहा था? 6 meter per minute से. thus total time taken to descend will be minus 360 upon may minus 6. 6 ones are 6, 6 6 are 36, 0 minus से minus चला गया, यानी कि 60 minute या फिर 1 hour. एक बार दोबारा कंसिडर कर लेते हैं. हमें टोटल डिस्टेंस जो डिसेंड कर रहा है उसे नेगेटिव इंटीजर से दिखाना है. हमें इनिशियल डेप्थ दे रखी थी कि जहाँ से वो स्टार्ट करेगा एलिवेटर डिसेंड करना वो है 10 मीटर अबव द ग्राउंड. और फाइनल डेप्थ दे रखी थी माइनस 350 मीटर जहाँ तक उसे जाना था. तो टोटल डिस्टेंस जो कि एलिवेटर डिसेंड करेगा वो है माइनस 360 मीटर. ये रखा था कि जिस रेट से वो नीचे जाएगा वो है 6 meter per minute. तो टोटल टाइम टेकन उस एलिवेटर को डिसेंड करने में कितना लगेगा? तो वो है माइनस 360 मीटर अपॉन में 6 meter per minute. तो हमारा आंसर आया 60 मिनट या फिर 1 hour.